नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मिरेकल्स ऑफ कृष्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त तनु गुप्ता और आज का मेरा टॉपिक है सिंपल पेपर टेक्निक टू चैंट एनी मंत्रा। जी हां दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी इस सिंपल से पेपर टेक्निक को यूज़ करके आप मंत्रों को और भी अच्छे से चैंट कैसे कर सकते हैं, उस पर फोकस कैसे कर सकते हैं, मंत्रों पर अपना ध्यान कैसे केंद्रित कर सकते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए, जिससे आने वाली मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ इस पेपर टेक्निक को आपको कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले दोस्तों, आपको एक प्लेन पेपर लेना है और एक रेड मार्कर। दोस्तों, आप जो भी मंत्र चैंट करते हैं, जैसे श्रीम, क्लीम, ओम, उस मंत्र को इस प्लेन पेपर पर लिख लीजिए। जैसे मैं क्लीम मंत्र का जाप करती हूँ तो मैं क्लीम को लिख लेती हूँ। इस तरह से आप उस मंत्र को इस पेपर पे लिखिए और एक राउंड सर्कल इस तरह से बना लीजिए। अब आपको करना क्या है, पर ध्यान रखिएगा रेड मार्कर से, रेड पेन से ही उसको लिखिएगा मंत्र को। अब आपको दोस्तों करना है, जब भी आप मंत्र चैंट करने बैठे, मंत्र का जाप करते वक्त इस पेपर को अपने सामने रखिए और मंत्र का ध्यान करना स्टार्ट करिए, उसका जाप करना स्टार्ट करिए। जिस भी एनर्जी को आप मानते हैं, इष्ट देव जो भी आपके हैं, उनको ध्यान करिए। वैसे क्लीम तीन देवताओं से रिलेटेड है, लॉर्ड कृष्णा, गॉडेस काली एंड कामदेव। जिसको भी ध्यान में रखकर आप क्लीम मंत्र का जाप करते हैं या सपोज़ और कोई मंत्र का जाप करते हैं, जैसे ओम का आप जाप करते हो, तो लॉर्ड शिवा को ध्यान में रखकर आप मंत्र को चैंट करना स्टार्ट करें और इस पेपर टेक्निक को ज़रूर यूज़ कीजिए। क्योंकि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी हमें वो काम करने से रोकती है। हमारे माइंड में कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं जिससे हम अच्छे से उस मंत्र का जाप नहीं कर पाते। चैंटिंग तो चलती रहती है पर नेगेटिव थॉट में हमारा ध्यान, हमारी एनर्जी लग जाती है। ऐसे ही मेरे साथ होता था। जब मैं मंत्र चैंट करना स्टार्ट करती थी तो चैंटिंग मेरी चल रही है पर मेरा माइंड कहीं और है, उसमें कुछ ना कुछ थॉट आते रहते थे। इसलिए मैंने इस पेपर टेक्निक को यूज़ किया और मुझे बहुत ही इसका अच्छा इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट अपनी लाइफ में देखने को मिला। क्योंकि जब मैं अपना फोकस कर पाई क्लीम मंत्र पर, जाप करते वक्त मैं अच्छे से फोकस कर पाई तो मुझे रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिला। क्योंकि मेरा जो जितने भी नेगेटिव थॉट्स माइंड इधर उधर जाता था वो सब हट गए, मेरा टोटल फोकस इस पेपर पर होता था, मेरे मंत्र पर होता था जो मैंने इस पर लिखा है। तो दोस्तों, प्लीज़ इस टेक्निक को यूज़ करें, फॉलो करें और अपनी लाइफ में मिरेकुलस और इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स देख लिए। आज के लिए इतना ही, आप सभी से मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। जय श्री राधे कृष्णा।